भाजपा सरकार ने श्री राज्यपाल महोदय का बहुत समय खराब किया। एक घंटा एक मिनट यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। वो जो भाषण था उनका, वो कट एंड पेस्ट भाषण था। कट एंड पेस्ट भाषण, और जब हम सच्चाई में उसके अंदर जाते हैं, जो अभिभाषण में योजनाएं दी गई हैं, वो जमीन पर अध्यक्ष महोदय अभी उतरी नहीं है, वो कोसों दूर है सच्चाई से भी। उत्तर प्रदेश का जो सपना देखा, या हम जितने विपक्ष के लोग हैं जो सपना देखते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और कई बार मैंने इसी सदन में नेता सदन को और बहुत सारे राजनेताओं को अखबारों में और कई लेखों में ये पढ़ा है और देखा है, और ये अभिभाषण में भी आया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर बेहतर होगी तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। अगर उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो देश भी आगे खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। अगर नेता सदन का हम पुराना भाषण पढ़ें, उस समय वो क्या आबादी बताते थे अध्यक्ष जी, और आजकल जब सुनने में मिलता है तो नेता सदन और कई आंकड़ों में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। हालांकि बहुत सारी चीजें सरकार भूल गई है क्योंकि सरकार दोबारा बन गई उनकी, लेकिन जो अभिभाषण था, जो उसमें उल्लेखित चीजें थी, वो कहीं ना कहीं 2017 से लेकर के 2022, 5 साल वो और 1 साल जो रहा होगा सरकार का, उसका कार्यकाल था। तो मैं सरकार को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। याद दिलाने से पहले, क्योंकि वित्त मंत्री जी मुझे दिखाई दे गए तो शेर याद आ गया, मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से कि अपने ही सहयोगी विधायिका से कुछ अच्छा लिखवा लीजिए कर, आपकी तुकबंदी ठीक नहीं है। और मैं जब देखता हूं नेता सदन को और यहां पर सदन में, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। वैसे हमारे नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे, अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के लोग टीवी के सामने बैठे थे और दुनिया के लोग एक खेल को देख रहे थे। मैंने किसी को खेल अकेले देखते हुए नहीं देखा, हमारे नेता सदन टीवी के सामने अकेले बैठ करके कुछ देख रहे थे। लेकिन नेता सदन का मैंने दूसरा खेल भी देखा है। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं, फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा करते, फुटबॉल का मैच अक्सर लोग, ज्यादातर लोग एक ग्रुप में बैठ करके देखते हैं, और जिस टीम को वो सपोर्ट करते हैं उसकी वो ड्रेस पहन के बैठते हैं। मुझे नहीं पता नेता सदन किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप, उस दिन तो नहीं पूछ पाया मैं, क्योंकि पूछ भी नहीं सकता था मैं, रात था, रात तक मैच चला था।
और मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, मैच खत्म होने से पहले हमारे नेता सदन सो गए होंगे। क्योंकि जो मैच बना वो मैच तब बना जब दूसरी टीम ने गोल कर दिया, वरना मैच का आनंद नहीं था, मैच में आनंद नहीं था। और अभी मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। अरे नेता सदन कैसे खिलाड़ी हो आप, तीन टप्पे के बाद गेंद पे नहीं मार पा रहे हो। मैं उस स्टेडियम में एक या दो बार गया हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि बनाया समाजवादियों ने, लेकिन स्टेडियम में ज्यादा नेता सदन गए हैं। मैं नहीं गया, मैं केवल पहला क्रिकेट मैच देखने गया जब ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खेनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो अध्यक्ष महोदय? आपको तो याद होगा आपके सदन में क्या हो रहा था, एक स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए। लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए? मैंने देखा नहीं था। अब अध्यक्ष महोदय ये बात तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, माननीय सदस्य होंगे, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है, तो मैंने जब वीडियो डाला तो मिलियन व्यू आ गए। ये नया जमाना है, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री समझते होंगे नए जमाने को। अभी आपका विभाग आएगा और चाचा भी हमारे साथ हैं आपके विभाग के लिए। और मैंने जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैं बहुत दूर था, मैंने टीवी पर देखा कि नेता सदन ऐसे करते हुए जा रहे थे, तो मैंने यही कहा कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे हो टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा, और नेता सदन वो बात भूल गए होंगे आप, जब मैंने बजट देखा मुझे दुख हुआ इस बात का, जब मैं और आप उस सदन में पहली बार मिले थे तो नेता सदन, मैंने ये कहा था कि गोरखपुर का कुछ काम कर लेना, नहीं तो 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, आपका गोरखपुर वैसे ही का वैसा ही रह जाएगा। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए। और फिर स्टेडियम ही बना देते, स्टेडियम क्यों नहीं बनाया अपने गोरखपुर में, स्टेडियम ही बना देते। अगर लखनऊ राजधानी में स्टेडियम बना है, क्योंकि मैं ये बात और जगह की नहीं कह रहा हूं, मैं राजधानी के लिए कह रहा हूं, ग्रीन पार्क के लिए कह रहा हूं कानपुर में, कम से कम गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता, आपको अपनी नुमाइश अपने मेले में खाली छूट सीटें जो छूट गई शायद स्टेडियम भरा मिलता। और अगर आपने अपने यहां नहीं बनाया स्टेडियम तो कम से कम क्यूटो में बना देते। माननीय सदस्य क्यूटो कहां है, सत्ता पक्ष के लोग बता दें, ये क्यूटो कहां है? और अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्यूटो के लिए एक डेलीगेशन बनाइए, हम लोग जाना चाहते हैं। जब इतने मंत्री लोग जाने कहां कहां घूम आए तो क्यूटो क्यों नहीं, और क्यूटो में ही स्टेडियम बना दिया होता एक, तो अंतरराष्ट्रीय मैच हो जाते। खैर थोड़ा बहुत खेल का काम आपके यहां हो रहा है, लेकिन अभी भी गोरखपुर देवरिया महाराज के बच्चे उस स्विमिंग पूल का इंतजार कर रहे हैं, वहां इटावा और सैफी के बच्चे नहीं स्विमिंग कर रहे हैं, मेरा परिवार का कोई स्विमिंग नहीं करने जा रहा है। और आप सूची मंगवाइए, मुझे नहीं पता खेल मंत्री कौन है, अरे वो क्या करेंगे
वो क्या करेंगे? आप कुछ करोगे? अरे वो चित्रकूट में आप ही थे ना, चित्रकूट में आप ही थे ना, किससे डर के भागे थे आप? पता नहीं क्या हो गया था वहां पर, किसी को याद हो तो बताओ, आप बता दो, हमें तो याद नहीं है क्या था मामला। सोचिए आप। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, अच्छा है कि विपक्ष पार्टी ने कोई काम किया उसका रोक दो काम, हमें पता है आज नहीं तो कल समाजवादी लोग उस काम को पूरा कर करके दिखाएंगे। जो बच्चे उसमें स्विमिंग करना चाहते हैं वो आपके घर के बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं, गोरखपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, देवरिया के हैं, आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हो 5 साल से? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं नेता सदन, हम समाजवादी लोग कोई उसमें नहाने नहीं जाएंगे, आप नेता सदन आ सकते हैं उसमें नहाने। ২০১৭ में वादा किया गया था संकल्प पत्र में, 1 वर्ष के भीतर पुलिस के रिक्त पदों को भरेंगे, क्या हुआ उसका? यूपी के प्रमुख शहरों में शहीद रोशन सिंह आवासीय टाउनशिप की स्थापना होगी, कितने शहरों में आधा अधूरा पड़ा हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना होगी, इसकी भी सूची बता दे सरकार। गन्ना किसानों का 14 दिन से भुगतान, 14 दिन के अंदर भुगतान। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य पंकज मलिक होंगे कहीं यहां पर, कल उठा रहे थे वो, और माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे, और मैं हर बार इस सदन में यही कहूं, अध्यक्ष महोदय सवाल ये नहीं कि आपने भुगतान कितना किया है, सवाल ये कि बकाया कितना है, ये भुगतान बताते हैं बकाया नहीं बताते हैं। और जो अधिकारी घुमा फिरा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं किसानों को, उन पे कार्रवाई कब करेंगे आप? अब तो कहीं खड़ा होगा बुलडोजर, ले चलिए उसको वहां पर, उन अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? ले चलिए उनके पास जो लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके चीनी मिलों को, उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा रहे आप? अब थोड़ा लग रहा है कि उधर भी जाने वाला है। 20,000 करोड़ का किसान सिंचाई फंड, ये कहां है? २०२२ आपका जाएगा ही नहीं, 23 आ गया लेकिन बीजेपी के लिए 2022 ही रहेगा, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं। किस आंकड़े से आपके 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी? नीलगाय तथा आवारा जानवरों की खेती की सुरक्षा, आज भी सवाल उठाता है ये अभी लंबी सूची है, इसको रखिए, अभी पोस्टर बाद में काम आएगा। और फिर ये तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर सड़क पर नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो ये लगता है दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में गड़बड़ हो रहा है, अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, और अगर लखनऊ वाले कुछ लेकर के जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। अब उस पर सब शांत हैं, कुछ है ऐसा मुझे लग रहा है। प्राथमिकता के आधार पर केन बेतवा नदी इंटरलिंक परियोजना कहां पहुंची है? सभी जरूरतमंद वंचित किसानों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, सस्ती दरों पर किसानों को कृषि के लिए बिजली, ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोर और वेयर हाउसिंग की सुविधाएं, सरकार ने किसानों से 60 दिन में 1,00,000 टन मक्का खरीदने का वादा किया, कब मक्का खरीद गई? ५ वर्ष में 70,00,000 नौकरियों का सृजन,
ये नौकरियां हैं, रोजगार नहीं है। प्रदेश में सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए, खैर इस पक्ष में हम लोग नहीं हैं। 3 महीनों के भीतर शिक्षा मित्रों का रोजगार की समस्या का समाधान, अभी लाखों शिक्षा मित्र आए थे अपने परिवार के साथ, परीक्षाओं को नकल विहीन कराएंगे, पूरा का पूरा सेंटर नकल कर रहा है, सीसीटीवी में कैद है। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, ये तो बस याद दिला रहा हूं मैं करने को नहीं कह रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं, आप मत करिए, हम तो बस याद दिलाएंगे अध्यक्ष महोदय। प्रदेश में 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को एक प्रतिमा 1 GB इंटरनेट दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक एक कक्षा का अनुपात सुनिश्चित किया गया। ये भी लगता प्राइमरी में स्कीम चला रहे हैं, 1 School 1 Teacher। 8,000 ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी जहां पर एक ही टीचर है जो पढ़ा रहा है। प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली, बनाई एक यूनिट नहीं, प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली। मिनी बस के माध्यम से सभी गांवों शहरों को जोड़ना, जो लोहिया ग्राम योजना चल रही थी उसको भी बंद कर दिया। प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों में चंद्रशेखर आजाद, खैर राष्ट्रीय निजी बैंकों, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की मदद से सरकार 2500 गांवों में बैंक शाखाएं सुनिश्चित कराएगी। मुझे याद है सबसे ज्यादा अगर ब्रांचेस किसी सरकार ने खुलवाई थी तो वो समाजवादी पार्टी थी जिसने एक साथ इन ब्रांचेस खुलवाई थी। कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। हालांकि वो बात अध्यक्ष महोदय मैं बजट में कहूंगा, लेकिन ज्यादातर बजट वो आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं गोरखपुर के लिए बजट दिया गया मेट्रो का। नेता सदन, यहां की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन का, उद्घाटन करने के लिए कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है आपसे। और हम विपक्ष के लोगों से जो आप सहयोग चाहें, एक सवाल नहीं पूछेंगे मेट्रो पे, आप मेट्रो चला दो गोरखपुर। और अपने यहां नहीं चला रहे हो तो प्रधानमंत्री जी क्या भी नहीं चला रहे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना होगी और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। गोरखपुर के एम्स की स्थापना के लिए समाजवादी सरकार में ही जमीन उपलब्ध कराई गई थी और यह धमकी मिली थी कि अगर जमीन नहीं देगी सरकार तो एम्स किसी और प्रदेश को दे दिया जाएगा। और उन व्यक्ति को नेता सदन बेहतर समझते होंगे जो जमीन दी जा रही थी, जो हाईकोर्ट में पीआईएल कराए थे, वो किन के सहयोगी समर्थक थे। फिर मुझे मजबूरी में, क्योंकि अगर एम्स चला जाता तो बड़ी बड़ी न्यूज होती, समाजवादियों का नुकसान होता, उस अथॉरिटी की अधिकारी कीमती जमीन नहीं देना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, कीमती जमीन बिना पैसे के दे करके वहां एम्स समाजवादियों की देन है, और वही नहीं रायबरेली का भी देन है। रायबरेली का भी एम्स अगर किसी की वजह से बना है, अरे इतना डर के ताली बजाते एम्स के लिए, उन्हें यह संकोच लग रहा होगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है क्या नहीं है। लेकिन नेता सदन से अच्छा कुछ नहीं बोल सकते। बोलो वो किसका आदमी था जो प्याल करके कोर्ट से जमीन रुकवाया था, और एम्स रायबरेली में किसने बनाया? समाजवादियों ने जमीन दी तब जाकर के बना। और 6 एम्स की स्थापना होती, कहां है एम्स? ये एक पुराना डायलॉग है अध्यक्ष महोदय, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 15 जून 2017 को यूपी की सड़कों गड्ढा मुक्त बनाने के लिए फैसला ले लिया जाएगा। कौन सी सड़क आप गड्ढा मुक्त कर रहे थे? या वो सड़कें जो गड्ढा मुक्त हुई नहीं है वो दिखाई नहीं दे रही है सरकार को?
सामान्य श्रेणी के गरीब लोगों के लिए आयोग की स्थापना की होगी। प्रदेश में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरेंगे। प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हाँ नेता सदन, बहुत अच्छी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई, सरकार बनते ही अपनाई गई पीडब्ल्यूडी विभाग में। अध्यक्ष महोदय, जीरो टॉलरेंस की सबसे पहला ही पॉलिसी सरकार दूसरी बनते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने मान ली। उसमें क्या आपको करना पड़ा वो आप बेहतर समझते हैं। एक बात बहुत बताई गई है राज्यपाल जी के भाषण में कि उत्तर प्रदेश वो शेर गिरा है, शेर वाला, वो हो गया शेर। ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश सभी चीजों में नंबर वन है, जो भी योजना बताई कामधेनु में नंबर वन, डायल हंड्रेड पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम में नंबर वन प्रथम, 2018 तक बताया गया कि जो 18 तक जो थे उसमें नंबर वन उत्तर प्रदेश था। लेकिन नए आंकड़े भी देखने चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है। ये क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रैंकिंग स्टेट्स की बताई जाती है, और मैं नेता सदन से कहूंगा जो अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं इस रिपोर्ट को भी पढ़ें, क्योंकि यूपी बदलेगा तो देश बदलेगा, यूपी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, बिना यूपी के देश नहीं तरक्की कर पाएगा। आप कहां खड़े हैं? कभी तो आप केरला को बताते थे कि केरला यूपी से सीख ले, जो कंपोजिट स्कोर है स्टेट का, कंपोजिट के अंदर चीजें हैं जिन पर आकलन होता है स्टेट का। आप कहां खड़े हैं? आप किस स्थान पर हैं? पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे जहां से माननीय गवर्नर आती हैं, और हम 16वें नंबर पर, हम 16वें नंबर पे खड़े हैं। हम 16वें नंबर पे हैं। इन आंकड़ों को मानेंगे नहीं मानेंगे, इकोनॉमिक फ्रंट पर जिसमें पर कैपिटा है, जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्री सर्विसेज हैं, इन्फ्लेशन है, एफडीआई है, और भी कई मानक हैं, उसमें हम और आप कहां खड़े हैं? यूपी के लोग, गुजरात नंबर एक और हम नंबर 17। नहीं आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं आप तो वित्त मंत्री है ना, अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं, पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज, पेपर का रेफरेंस तो बताएं कहां का पेपर। अच्छा पेपर बता दें, ये नहीं मानेंगे इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा, कोई जिस पेपर आप पूछ लीजिए जिस पेपर, इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ, जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं नहीं आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं उनसे पढ़ लेना, अधिकारियों से क्यों नहीं पूछना यार? क्रेडिबल एजेंसी, क्रेडिबल आपको बताते हैं, क्रेडिबल एजेंसी कहीं से, उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। पढ़ दें क्या? नाम पढ़ दें, नाम बताना, पढ़ दें नाम बताना चाहिए। अच्छा नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं, यूपी में कावा आपने नोटिस दे दिया यकीन करो नेता सदन,
अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते, और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला हो सकता, अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। ए, कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा, खुद ही कार्टून हो। खैर एज करके कंपनी है, एनीवे आप लोग पता कर लेना केयर एज, और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा, इंडिया टुडे का भी पढ़। अरे भाई ठीक है, फर्जी सब फर्जी है फिर तो। अभी अभी मैं पूछूंगा फर्जी पर। अच्छा फर्जी था तो आपके नेता सदन क्रिकेट पे बॉल मार लिए थे, बैट मार लिए थे, वो भी फर्जी था क्या? पूरे देश ने देखा टीवी पर। क्या लोग हैं आप लोग, फिजिकल उसमें भी तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं, उड़ीसा नंबर वन है और आपका स्टेट 15वें स्थान पर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि वित्त मंत्री जी को यह दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अगर अकेले में डांटे ना मुझे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? पर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है, ये सदन की अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष जी को बता रहा हूँ मैं। हाँ मालूम होना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ, इसका डेट टुडे पढ़ूंगा मैं, पर अगर हो तो भेज दीजिए मुझे, हम टेबल कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा। आप धन्यवाद, आपने टेबल करने के लिए कहा, अध्यक्ष महोदय मैं ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है मुझे बोलने तो दो, और आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी आपकी? बजट देख ले, बजट हमने दिया है, दिया है बजट, क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? बजट तो दिया है, बजट तो दिया है, क्या है बजट में दिया है, क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो। आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ? आप कहां आलू खरीदा आपने? 1 किलो आलू खरीदा तो बताइए। क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही है, जवाब देना जरूरी है हमारे। बोलिए जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो जो हमारा संकल्प पत्र है माननीय, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया, और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानवर। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया मानवर, ये है क्रेडिबिलिटी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा एक मिनट शांत रहें। अध्यक्ष महोदय आप क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं ना कुछ, मैं बैठ जाता हूं एक बार बताइए। सबसे बड़ी यह है कि हम जनता ने 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर दोबारा वोट दिया, गुड गवर्नेंस के आधार, यह है क्रेडिबिलिटी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, हम उसी वजह से यहां पर बैठे, इसी कारण यहां पर बैठे, और यही क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मान्य है। अरे अध्यक्ष महोदय बोलिए ना, आपने यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है आपकी, यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है ना? अच्छा ये क्या था फिर? एक मिनट,
ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते और नहीं बांटे इन्होंने, क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई लैपटॉप क्या होता है, स्मार्टफोन? ये भाई माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए यहां पर, बहुत सी चीजें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो, टैबलेट स्मार्टफोन लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, MBA है वो। दो, ये दूसरा बजट है अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रदेश। आलू टमाटर प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ रुपया। आप बताइए आलू की स्थिति क्या है आज, पूछिए अपने माननीय सदस्य लोगों से, हमारी बात मत मानिए। क्या आलू खरीदा जा रहा, क्या सरकार खरीदेगी आलू? क्या आलू सरकार खरीदेगी? मैं नेता सदन के बगल में बैठे वित्त मंत्री जी और नेता सदन से पूछा, क्या आलू आप खरीदेंगे? इतना खड़े होकर के बोल रहे थे, बोलिए आप आलू खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? हमने माननीय खरीदा भी है, खरीदेंगे। और जो कुछ भी संकल्प पत्र वादा किया है माननीय, वो सभी वादे पूरे करेंगे माननीय। ये वादे नहीं, और जनता ने जनता ने इसी बात के ऊपर चुनाव, चार चुनाव 2014, 2017, 2019 और 2022, इसी क्रेडिबिलिटी के, यही है क्रेडिबिलिटी। और क्या, और क्रेडिबिलिटी का मानक क्या है? यही क्रेडिबिलिटी का मानक है। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानता हूं ये आलू नहीं खरीदेंगे, मैं ये जानता हूं, क्योंकि सरकार धोखा दे सकती है, सरकार सच्चाई के से नहीं सामने आ सकती। आज जरूरत है आलू खरीदने की। जो आलू बेल्ट है, हमारे माननीय सदस्य, मैं नहीं खड़ा होंगे, मंत्री हैं, कुछ लोगों की मंत्री पद छिन जाएगा, किसी की कुछ छिन जाएगा, इसलिए कोई सच नहीं बोलेगा। अकेले में अध्यक्ष जी पूछिए आलू की हालत क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। धान में लूट हो गई, आलू में लूट होने जा रही है। और आय दोगुनी की बात कर रहे थे, 22 से 23 आ गया, किसी भी किसान के किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई किसान की। और लागत का हिसाब किताब लगाइए, ये डीजल पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो केवल डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन महंगे का मतलब है हर चीज महंगी हो गई। एक महीने में बताइए आपने कितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, वो नहीं बताएंगे आप? एक नारा है, सबका सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर, वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए। इसी मंत्री के लिए गए थे वहां? नहीं नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? आपस में बात नहीं करें, मेरे से माननीय नेता मेरे को उनसे बोल भी करेंगे। आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहां बैठना शुरू है। बैठिए माननीय मंत्री जी, मेरे से बात क्या आप? अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए माननीय मंत्री। डॉक्टर संजय जी, अरे उनका ऐसे जवाब देने लगेंगे तो मेरा काम क्या? मेरा काम जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा। बाद में जब उनका मौका आएगा तब देंगे। संगति दूर होनी चाहिए, जो लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में हैं, अनुसूचित में हैं, जब इनके पावर नहीं है। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे कहाँ उनके चक्कर में फंस रहे हैं, बैठिए, अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, आपको नहीं बुलाया। आपको आपका मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अरे बैठिए मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं, और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं तो इंजीनियर इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। अरे फिर आप खड़े हो गए, बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए, जब आपका मौका आएगा तब बैठिए। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बात तो, अरे आप देखिए, आप बोल रहे हो कोई बीच में ना खड़ा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं अपने लिए समर्थन तो जुटा सकता हूँ। नहीं, आप बाद में जुटाइएगा अपनी बात। वो मैं बताऊंगा। और कोई दल बचा है? हमारे साथी सहयोगी दल आरएलडी, हम और आप तो एक ही हैं। है? नहीं, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। वो जो माननीय आशीष जी ने जो सवाल पूछा उसमें मैं बोलूंगा। हमारी पार्टी की माननीय सदस्य हैं और उनका एक अपना दल है, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जाति जड़ना पे मैं समझता हूँ आप भी सहमत हैं। वो दोनों तो एक ही है ना, अलग हैं। अच्छा बैठ, तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन? मेरी आवाज नहीं आ रही? बिहार कर सकती है अध्यक्ष महोदय, चेक करें आवाज। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, अगर अध्यक्ष महोदय जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया? मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया, जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है। इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी उन्होंने बोला नहीं आप नहीं, वो तो पूछ के आना पड़ेगा, वो सहयोगी उन्होंने बताया नहीं कि है। उन्होंने आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री, अरे आपस में बात और सभी लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था, हमने आश्वासन में भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस पक्ष में है, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है? और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है आप प्रोडक्शन के खिलाफ क्यों नहीं है? अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं, आप प्रोडक्शन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? और नेता सदन ने कई बार प्रेजेंटेशन देखा होगा, कि डेटा सेंटर हम बना रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई लोगों से एमओयू हुए, कई चीजें जमीन पे भी आ रही है। नोएडा में डेटा सेंटर बन रहा है, बजट में भी कुछ चीज दिखाई दे रही है डेटा सेंटर के लिए। आप डेटा सेंटर कल बना रहे हैं, आपके यूपी का डेटा सेंटर क्यों नहीं है? और फिर जाति जनगणना हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन हम समाजवादी लोग इसके पक्ष में हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यात्रा बहुत दूर दूर गए थे लोग, मुझे नहीं पता सबसे दूर कौन से लोग गए थे। सबसे दूर कौन गया था? कई घंटों की हवाई यात्रा से गए थे लोग, कई देश होकर के आए हैं, वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात आई भाषण में आई है। एक साल तो चला गया, अब चार साल बचे। दिल्ली की सरकार को सहयोग नहीं कर रही जितना करना चाहिए, और अगर दिल्ली की सरकार ने सहयोग किया होता तो आप न जाने कहां और पहुंच गए होते। आपने क्या कदम उठाए ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए, और किस किस देश गए थे आप? कई देश होकर के आए हैं आप। एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, गया था, मुझे नहीं पता, नहीं वो निकाल दिया कोई बात नहीं, आगे नहीं गिरा, मेरे पास है वो, कुछ और चीज थी। एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एमओयू कर लिया कई हजार करोड़ का, बाद में पता लगा वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है। नेता सदन इनकी क्लास लीजिए आप। कौन गया था वहां यूएस? नेता सदन कौन गया था? कौन यूएस गया था? नहीं ठीक है, थैंक यू। यूएस गए थे, यूनिवर्सिटी से एमओयू कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहां पर। लेकिन मैं नेता सदन ये समझता हूं, ये मानता हूं मैं, जो भी किया हो उसे दोबारा प्रयास करना चाहिए था। कोई तो आ जाए यूएस से यूनिवर्सिटी, जब हम आप अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हालांकि नैक के बारे में आपने बोला है कि दो यूनिवर्सिटियों का अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन 84 यूनिवर्सिटियों में केवल दो ही क्यों हुई और क्यों नहीं हुई? उनके लिए भी प्रयास होता। मैं तो नेता सदन से कहूंगा, जो यूएस गई थी टीम उसको दोबारा यूएस भेजिए आप,
और तब तक वापस मत आने देना जब तक वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमओयू न कर ले आए।